इंडियन आइडल 10 की जज सिंगर नेहा कक्कड़ ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपने टूटे दिल का दर्द बयान किया है। इसकी वजह वो सारी खबरें रही है जो कि ब्रेकअप के बाद नेहा के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है। हाल ही में नेहा का एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर सॉन्ग गाते हुए नेहा रोने लग गई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनके लिए हिमांश से दूर रहना कितना मुश्किल है। इससे पहले इंडियन आइडल 10 के एक एपिसोड के दौरान भी नेहा गाना सुनते ही इमोशनल हो गई थी। बीते दिन ही नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं। इन पोस्ट के जरिए नेहा ने यह बताने की कोशिश की है कि ब्रेकअप के बाद उनके लिए किस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, जहां पर नेहा ने खुद इस बात की तरफ इशारा किया है कि उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि हाँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। इस दुनिया के सभी निगेटिव लोगों का शुक्रिया। आप लोग मुझे जिंदगी का सबसे खराब दौर देने के लिए सफल रहे। नेहा ने आगे लिखा है कि मुबारक हो, आप सफल रहे। मैं साफ करना चाहती हूँ कि ऐसा किसी एक दो लोगों की वजह से नहीं है, ये उस दुनिया की वजह से है जो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ तक नहीं जीने दे रहे हैं। इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि नेहा को हिमांशु से दूर जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। इतने बड़े दुख से उभरने के लिए नेहा काफी ज्यादा कोशिश तो कर रही है। इस सब के बाद नेहा ने खुद लाइव कॉन्सर्ट में ये कहा था कि मेरी निजी लाइफ में चाहे जो हुआ हो, लेकिन आज मैं आपके लिए यहाँ खड़ी हूँ और आपके लिए ही मैं यहाँ पर गाना गाऊंगी। लेकिन क्या नेहा सच में इस दर से निकल पाएगी? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्पीडी न्यूज़।